मोस्ट पॉपुलर रेनो सीरीज का फोन आ गया। वो वाला डायलॉग तो सुना होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे? आएंगे नहीं, आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रेनो नाम तो सुना होगा, ये ओप्पो के मोस्ट पॉपुलर सीरीज का फोन है। मैंने ओप्पो के ऑलमोस्ट सारे रेनो सीरीज के फोन को टेस्ट किया है, जब रेनो आया था, रेनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इवन 8 भी। बीच का 9 कहां गया पता नहीं। ये रेनो 10 सीरीज एक काफी सॉलिड फोन लग रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 है, 3D कर्व एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, फ्लैगशिप लेवल कैमरा है, प्रीमियम डिजाइन, फास्ट चार्जर, तो सब कुछ बढ़िया भाई ओप्पो ने इसमें। तो जनता इस करण अर्जुन को टेस्ट करना तो यार बनता। रेनो 10 प्रो सीरीज में ओप्पो ने 3 फोन लॉन्च किए, रेनो 10, रेनो 10 प्रो और एक प्रो प्लस। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये ओप्पो रेनो 10 प्रो और ये ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस है। एक्साइटमेंट तो दोस्तों हमेशा रहती है। ये केक कटेगा, सब में बटेगा। तो हाँ ये देखो, और ये रहा, फोन कहाँ भाई, फोन कहाँ भाई? ओ निक्की, ये तो चूना लगा गया। ओए टिक्की, ओ चूना लगा दिया। अरे तेरा फोन। अच्छा यार, व्हाट अ ब्यूटी यार। ये रहा भाई रेनो 10 प्रो, कितना ब्यूटीफुल फोन है। ओके, ये टीपीयू केस ठीक ठाक क्वालिटी है, ये सेफ्टी गाइड है जिसमें लिखा हुआ भाई म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट, ये जन्म कुंडली है भाई। और ये रहा ओह यंत्र यार। ओके, और देखते हैं क्या है। ओके, ये सुपरबुक फास्ट चार्जर और ये टाइप ए टू टाइप सी केबल। बस अनबॉक्सिंग खत्म, पिक्चर अभी बाकी है। सो ये है दोनों फोन, नए नए फोन से ये स्टीकर हटाने का सुकून और वीडियो देखते देखते कमेंट पढ़ने का सुकून दोनों सेम ही है। ये है ओप्पो रेनो 10 प्रो और ये है 10 प्रो प्लस। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस फोन को देख के? वाओ, ब्यूटीफुल फोन। इसके बैक में देखोगे एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है और ये थोड़ा डिफरेंट लगता है। दोनों में आपको सेम बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है, थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल बड़ा है, इसमें छोटा है, और कैमरे ऊपर नीचे हैं। ये फोन आपको थोड़ा सा स्लिपरी लगेगा बट बहुत सॉलिड ग्रिप और प्रीमियम फील देता है भाई, इवन रेनो 10 प्रो भी। इसका ये जो बैक है ये 3D ग्लास बैक है, इसमें 3D कर्व डिजाइन है। इसका ये जो साइड है ये भी कर्व है, बट ये फ्रेम पॉलीकार्बोनेट है। 8.28 mm इसकी थिकनेस है, ये स्लिम फील होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपको ये रेनो 10 प्रो फील होगा। रेनो 10 प्रो के बैक में ग्लॉसी फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश होने के बाद भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं, आते हैं बट आपको दिखेंगे नहीं। रेनो 10 प्रो प्लस में इसमें मैट फिनिश दे रखी है। दोनों की जो ग्रिप है, इनहैंड फील है, सॉलिड है, प्रीमियम फील होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार रेनो 10 प्रो प्लस का वेट चेक करते हैं। ओके, 196-194 ग्राम के आसपास है। और एक बार रेनो 10 प्रो का चेक करते हैं, इसका 184 ग्राम। रेनो 10 प्रो ज्यादा लाइट है। रेनो 10 प्रो प्लस में आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये एक 6.74 इंच की एक 1.5K 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। वैसे ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट है, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड है, हाई है और एक ऑटो का है। फिलहाल मैं इसको हाई पे सेट करता हूँ, एक बार इसको टेस्ट करके देखता हूँ भाई। ओह स्मूथ फील है यार भाई, यूट्यूब पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखते हैं, 2160p पे वीडियो प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले की क्वालिटी देखो भाई, वाओ मजा आ गया भाई। ये एक अल्ट्रा क्लियर बॉर्डरलेस डिस्प्ले है, मतलब इसमें बेजल्स देखोगे ऑलमोस्ट ना के बराबर है। साइड से जो बेजल्स है वो तो नोटिस ही नहीं होते कर्व की वजह से, लेकिन ऊपर की साइड में और चिन की साइड में मिनिमल से भी बहुत कम बेजल्स रखे हैं यहाँ पर फोन में। देखो सामने से ऐसा दिखाई देता है, साइड से देखते हो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, इवन ऊपर से भी देखो। डिस्प्ले क्वालिटी एक्सीलेंट है, 10-bit डिस्प्ले है, SGI 10 प्लस सर्टिफाइड है, 1440 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, इसमें 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये लोएस्ट एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसमें विजिबल है भाई, ये 50% कर देते हैं, ये देखो भाई 50% में ही ये क्लियर विजिबल है। और इसको मैं अगर 100% कर भी देता हूँ, ये देखो भाई बहुत ही ब्राइट है। 93.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसके बैक ग्लास में गोरिल्ला ग्लास 5 है और फ्रंट डिस्प्ले में ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 प्रोटेक्शन है। एंड आपको तो पता है प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई एक बार यहाँ 3-4 फुट से गिराते हैं फोन को। 2-3 भाई कुछ भी नहीं हुआ भाई, हल्का सा स्क्रैच भी नहीं आया। एक बार फ्रंट से गिराते हैं। 2-3 पॉप। चलो भाई कुछ नहीं हुआ, बच गया। डिस्प्ले क्वालिटी इसमें टॉप नॉच है, डिस्प्ले क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ओप्पो ने। और रेनो 10 प्रो और 10 प्रो प्लस दोनों के डिस्प्ले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रेनो 10 प्रो में जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ी सी छोटी है और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है। बाकी दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, ब्यूटीफुल 3D कर्व डिस्प्ले है दोनों में। दोनों में आप देखोगे मजा आ जाएगा। बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। नीचे की साइड में ये सिम स्लॉट है, ये हमारे इसको दबा दिया। ओके ये निकल गया। डुअल सिम स्लॉट है, SD कार्ड सपोर्ट नहीं है। बाकी ये माइक्रोफोन टाइप सी पोर्ट और ये रहा स्पीकर। एक बार चेक कर लेते हैं स्पीकर हमारी तरह सिंगल तो नहीं। आहा स्टीरियो स्पीकर से डॉल्बी एटमोस भी है, मजा आएगा इसको गाना सुनने। मजा आ गया गाना सुनने में।
मस्ती साइड में भाई जो साउंड निकल के आता है बहुत ही क्लियर है, लाउड है। राइट साइड में ये वॉल्यूम बटन है, ये पावर बटन है, टेक्टाइल फील है, ज्यादा नहीं है। ऊपर की साइड में ये नॉइज कैंसिलेशन है, आई थिंक ये आईआर ब्लास्टर है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं, एकदम क्लीन है। एक बार सिक्योरिटी फीचर्स चेक करते हैं, तो पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है। फिंगरप्रिंट टेस्ट करते एक बार, ये ओके, ये देखो टच करते ही भाई अनलॉक कर देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, वो है कैमरा। इसमें जो कैमरा है ये पावर्ड बाय मारी सिलिकन है, और अगर आपको मारी सिलिकन एक्स के बारे में नहीं पता, शॉर्ट में समझाता हूँ, ये एक मोस्ट एडवांस इमेजिंग इंजन है। और आसान भाषा में बोलूं तो भाई ये स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए होती है, तो आपकी वीडियोग्राफी को नेक्स्ट लेवल में लेके चला जाएगा। सेंटर में जो आप कैमरा देख रहे हो ये मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ, सोनी IMX890 सेंसर। ये सोनी का फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। ये वाला 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है ओमनीविजन सेंसर के साथ। ये ऊपर वाला 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। ये जो टेलीफोटो लेंस है पहली बार आपको ओप्पो रेनो सीरीज में देखने को मिल रहा है, वो भी इतना हाई मेगापिक्सल का। और फ्रंट साइड में जो सेल्फी है ये 32 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX709 RGBW सेंसर के साथ। यूजुअली जो ओप्पो के स्मार्टफोन्स होते हैं वो कैमरे के लिए जाने जाते हैं, एंड ओप्पो ने इसमें सारे फ्लैगशिप कैमरा फीचर्स डाल दिए हैं। रेनो 10 प्रो और 10 प्रो प्लस दोनों के कैमरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है। रेनो 10 प्रो में जो टेलीफोटो लेंस है वो 32 मेगापिक्सल का है, और रेनो 10 प्रो प्लस में 64 मेगापिक्सल का। एक को टेस्ट करते हैं इसका कैमरा, पता चल जाएगा कैसा है। करते हैं ये, मैंने 3x किया, ओ भाई ये देखो टेलीफोटो, जूम 6x करता हूँ, एक ये देखो टेलीफोटो, वाव व्हाट अ फोटो भाई, वाह मजा आ गया भाई टेलीफोटो तो देख के। एकदम नेचुरल कलर दिया यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बहुत ही क्लोज से फोटो क्लिक की है, एकदम शार्प डिटेल है यार, दम है भाई कैमरे में, इतना तो कहूंगा। एक बार मुझे इसका सेल्फी टेस्ट करना है, ये 0.8 भी, ओहो यो, ओ भाई लुक एट द सेल्फी। अगर आप जूम करते हो स्किन सॉफ्ट कर देता है, बट डिटेल्स लूज नहीं करता। सिंपल में कहो तो एकदम सोशल मीडिया रेडी सेल्फी देता है, फेस पे जो भी दाग धब्बे भाई सारे के सारे गायब कर देता है। अच्छा हुआ ये मेरी बच्ची कुछ मूंछों को गायब नहीं किया, मानता हूँ भाई लोगों की जाती नहीं मेरी आती नहीं। एक बार रेनो 10 प्रो से भी सेल्फी लेके देखता हूँ, इसकी सेल्फी भी सेम है रेनो 10 प्रो प्लस के जैसे ही, और सेम क्वालिटी भी मिलती है। ये देखो ये फोटो देखो, ये आउटडोर में पोर्ट्रेट मोड से लिए, अगर आप इसको जूम करते हो ये देखो भाई स्किन हल्का सा सॉफ्ट कर देता है, स्किन टोन लेकिन बहुत अच्छा देता है। बैकग्राउंड में देखते हैं डेप्थ अच्छा है, भूखी अच्छा देखने को मिल जाता है, और एजेस भी ये बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। पोर्ट्रेट फोटोज देखने में ऐसा लगता है कोई DSLR से फोटो लिया है। ये देखो 3x ऑप्टिकल जूम और 6x ऑप्टिकल जूम मिलता है, और ये 3x में फोटो लिया। इवन अगर आप 6x में ही फोटो लेते हो ये अच्छी लगती है भाई, ये क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं करता। ये देखो इसमें आप ये जो कैमरा दिख रहा है ये बेसिकली एक पेरिस्कोप लेंस है, और ये 120x तक जूम कर सकता है। तो एक बार इसकी जूम कैपेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं भाई, ये देखो ओहो, ये देखो 70x पे तो विजिबल है, अगर हम 120x पे चले जाते हैं ये देखो भाई इस पे, ये देखो, और ये देखो 120x पे, हालांकि इतनी क्वालिटी नहीं मिलती है पर ठीक है। इसके कैमरे को मैंने डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में टेस्ट किया है, इंडोर आउटडोर डे लाइट। इसका जो कैमरा का बढ़िया है, लो लाइट में जो फोटोज निकल के आते हैं बहुत ब्राइट है। इवन अगर आप बहुत ज्यादा लो लाइट कंडीशन में फोटो लेते हो तो वहां पर इसका जो कैमरा है वो डिटेल्स बिल्कुल भी लूज नहीं करता है। इवन जो रेनो 10 प्रो है इसका भी कैमरा बढ़िया है, लेकिन जो रेनो 10 प्रो प्लस है इसको एक्चुअली ओप्पो ने पोर्ट्रेट एक्सपर्ट का है, और इस बात से मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं भाई जितना भी मैंने कैमरे को टेस्ट किया। और ये जो सामने वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हो ये 4K 30fps पे रिकॉर्ड की गई है। इवन जो वीडियो की स्टेबलाइजेशन है वो भी अच्छी है। Reno 10 Pro Plus में Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर है, ये एक 4nm वाला प्रोसेसर है। Reno 10 Pro में आपको Snapdragon 778G 5G चिप मिलता है, ये एक 6nm वाला चिप है। Reno 10 Pro Plus आपको एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देगा, और Reno 10 Pro आपको एक मिड रेंज लेवल की परफॉर्मेंस देगा। एंटीडोट टेस्ट किया मैंने Reno 10 Pro Plus में, ये देखो भाई 1,000,000 प्लस है। जनरली ये जो स्कोर होता है फ्लैगशिप लेवल के जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनका स्कोर होता है, और अच्छी बात ये लगी कि भाई प्रोसेसर को ओपन ने वेल ऑप्टिमाइज किया है। सीपीयू परसेंटेज देखो 86% है, किसी को बताना नहीं। चलो फटाफट से एक बार ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं, HDR है, अल्ट्रा HD भी है भाई, स्मूथ पे एक्सट्रीम ऑप्शन है, तो भाई स्मूथ गेम प्ले है। ये पीरो मनोज सारू का फेवरेट सेटिंग है, टीम मैच लेट्स गो। ये देखो, अरे पीरो मनोज सारू, ये भगवान क्या जुलुम है, हो जाता है भाई कभी कभी, ये ट्राई बॉल था। ओए ये देखो पीरो मनोज सारू ने दोनों को लपेट दिया। ओए ग्राफिक्स की बात करो भाई एकदम स्मूथ है, ये देखो दोनों को लपेट दिया यार, ऐसा गेम प्ले कहीं और मिलेगा। ये देखो भाई, अरे भाई हाथ का खेल है, जलवा है हमारा, मस्ती साइड में बट गेम प्ले स्मूथ एक्सट्रीम पे एकदम मक्खन है, नो लैग नो फ्रेम ड्रॉप। अगर मैं हीटिंग की बात करूं तो ऐसा कुछ हीट तो नहीं कर रहा, बट हल्का सा यहाँ फ्रंट में स्क्रीन के साइड में वार्म फील होता है जो मैं नॉर्मल कहूंगा, इससे दिक्कत वाली कोई बात भी नहीं है। ओप्पो ने इसमें मोस्ट एडवांस कूलिंग सिस्टम यूज किया है, अल्ट्रा कंडक्टिव कूलिंग सिस्टम। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है रेनो 10 प्रो प्लस की वो एक्सीलेंट है, फ्लैगशिप लेवल की आपको परफॉर्मेंस मिलती है। डे टू डे लाइफ यूज में इवन अगर मल्टी
मल्टीटास्किंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इसमें 12GB रैम है, 256GB स्टोरेज है। मल्टी टच चेक करते हैं, ओके तो 10 मल्टी टच है। रीडर स्पीड भी बहुत बढ़िया है। Reno 10 Pro Plus में 4700mAh की बैटरी है, बैटरी थोड़ी सी कम कर दी है फोन को थोड़ा सा स्लिम करने के लिए, बट ये एक डुअल सेल बैटरी है विद 100W सुपरबुक फास्ट चार्जिंग जो करीब 27 मिनट में फोन को 100% चार्ज कर देगा। और Reno 10 Pro में थोड़ी और बैटरी कम कर दी है, इसमें 4600mAh की बैटरी यूज की है इसलिए ये थोड़ा सा और स्लिम है। दोनों ही फोन में आपको बैटरी हेल्थ इंजन मिल जाता है। 14 5G बैंड से इसमें NFC सर्च करता हूँ, ओके तो NFC भी है और ये सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। कलर OS 13.1 है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पे बेस है। अगर मैं ब्लॉटवेयर चेक करता हूँ तो भाई फोन में ब्लॉटवेयर्स हैं। अगर इनको अगर मैं डिलीट करूँ तो भाई डिलीट हो जाते हैं ये देखो। और अगर मैं ऐप स्टोर खोलता हूँ तो भाई UI में भी आपको ऐड देखने को मिल जाता है। फोन में ब्लॉटवेयर्स और UI में एड्स आपको नजर आते हैं। सो ये था एक कंप्लीट ओप्पो Reno 10 Pro और 10 Pro Plus। प्रीमियम फोन है, प्राइसिंग प्रीमियम होगी, फिलहाल अभी मुझे पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में प्राइसिंग दे दूंगा, चेक कर लेना। तो मेरा क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, मतलब ओप्पो की जो Reno 8 सीरीज था उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली एक अपग्रेड कहूंगा। जो भी लोगों को कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वो सारी चीजें यहाँ पर इम्प्रूव कर दी गई है। ओप्पो वालों ने Reno 10 Pro सीरीज में कैमरे को नेक्स्ट लेवल में लेके चला गया, स्पेशली इसमें जो पोर्ट्रेट कैमरा है वाओ, परफॉर्मेंस में एक अपग्रेड है, डिजाइन डिफरेंट है, प्रीमियम है, थोड़ा सा एड और ब्लॉटवेयर है फोन में वो कम कर देता भाई मजा आ जाता। इसके अलावा फोन का डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिजाइन, फील, हर चीज में आपको ये फोन एक प्रीमियम फील देगा। एंड सच बताओ, अभी तक मैंने Reno सीरीज में जितने भी फोन को टेस्ट किया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट Reno सीरीज फोन। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना और वीडियो को फैला देना। बाकी आपको पता ही है, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।